हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी फिल्म बागी 3 को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। टाइगर की ये फ्रेंचाइजी न सिर्फ फैंस के बीच पॉपुलर है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसका बोलबाला देखने को मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि बीते साल ही मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ही टाइगर के फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको इस बात की जानकारी दी कि बागी 3 में टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। वहीं अब लीजिए बागी 3 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि टाइगर और श्रद्धा के साथ बागी 3 में एक जबरदस्त एक्टर की एंट्री हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में रितेश देशमुख भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म में रितेश खूंखार विलेन के रोल में दिखाई देंगे। बता दें कि रितेश इससे पहले मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म एक विलन में भी नेगेटिव रोल में नजर आ चुके हैं। ऐसे में बागी 3 में रितेश को खतरनाक रोल में देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। बात करें बागी 3 की तो अहमद खान के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म पहले दो पार्ट की तुलना में काफी बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। बता दें कि फिल्म बागी 3 में टाइगर बेहद ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखाने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 4 देशों में होने वाली है। अहमद खान की डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल 6 मार्च को रिलीज होगी। वैसे आप टाइगर की बागी 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।